नाउ लेट अस डिस्कस नेचर ऑफ लाइट। आज हम पढ़ने वाले हैं कि लाइट की नेचर किस तरह की होती है। लाइट प्रोड्यूसेस एन अस अ सेंसेशन ऑफ विजन, मतलब लाइट की वजह से ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जब भी हम कभी अपने आसपास देखते हैं, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो लाइट को एमिट करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि दे आर सोर्सेज ऑफ लाइट। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे लाइट जो लाइट एमिट करते हैं, उनको हम सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। जब लाइट इन ऑब्जेक्ट्स से हमारी आईज में एंटर करती है, तभी हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। दैट मीन्स जब तक लाइट हमारी आईज में एंटर नहीं करेगी, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो लाइट एमिट कर रहा है, तो हम उसको देख पा रहे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं उन ऑब्जेक्ट के बारे में जो लाइट एमिट नहीं करते हैं। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जो ऑब्जेक्ट्स लाइट एमिट नहीं करते हैं, तो क्या हम उनको देख नहीं पाएंगे? बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम हर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, चाहे वो लाइट एमिट करता है या वो एमिट नहीं करता है। मतलब अगर आपके पास कोई बल्ब है तो भी आप उसको देख पा रहे हो, अगर आपके पास कोई टेबल है, कोई चेयर है, तो भी आप उसको देख पा रहे हो। क्योंकि जो बल्ब है वो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन जो चेयर है या जो टेबल है, वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट एमिट नहीं करते। तो अगर हमने इन ऑब्जेक्ट्स को देखना है, तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से देख पाते हैं? हमारे पास कोई ना कोई लाइट का सोर्स होना चाहिए। वो लाइट का सोर्स जब इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट को फॉल करवाएगा, मतलब सपोज हमारे पास एक टेबल है, जब हमारे पास लाइट इस टेबल के ऊपर फॉल करेगी, लाइट वहां से बाउंस बैक होगी। बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट इससे बाउंस बैक होगी, बाउंस बैक होकर वो हमारे आईज में एंटर करेगी। जब वो हमारी आईज में एंटर करेगी, तभी हम उसको देख पाएंगे। दैट मीन्स अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो हमें एक सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज जब तक कोई सोर्स नहीं होगा, लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल नहीं करेगी, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो लाइट हमारी आईज में नहीं पहुंचेगी, हम उसको देख ही नहीं पाएंगे। दैट मीन्स जब भी कभी हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट की तो जरूरत है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत हमें एक सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट की है, अगर सोर्स ऑफ लाइट की है। दैट मीन्स अगर एक डार्क रूम है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे जब तक कि हम उस डार्क रूम में किसी लाइट को का सोर्स वहां पे लेके नहीं आते, चाहे हम उसमें केस में हम टॉर्च को यूज करें, या हम बल्ब को यूज करें, या हम नेचुरल लाइट को यूज करें। दैट मीन्स वी कैन ओनली सी एन ऑब्जेक्ट ओनली वेन देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट। बिकॉज वो जो सोर्स है लाइट का, वो लाइट को उस ऑब्जेक्ट पे फॉल करवाएगा, वहां से लाइट एमिट होके हमारी आई बाउंस बैक होके हमारी आईज में आएगी और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। जो ब्रांच ऑफ साइंस इसको डील करती है, उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। मतलब ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द लाइट। नाउ लेट अस डिस्कस समथिंग मोर अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब हम लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर हम सबसे पहली बात करें, तो लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। मतलब लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब मीडियम उस लाइट को नहीं चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और अगर हम इसको कंपेयर करें, तो साउंड के साथ अगर हम कंपैरिजन करें, तो हमें पता है कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम, वेयर एज लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? सन। अब आपको पता है कि सन के ऊपर एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, और उन एक्सप्लोजन्स की वजह से वहाँ पे हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो आप देखते हैं कि सन से हमारे पास क्या आ रहा है, लाइट तो आ रही है, लेकिन सन के ऊपर जो एक्सप्लोजन हो रहे हैं, उससे साउंड नहीं आ रही है। मतलब अगर ये सन है एंड दिस इज द अर्थ, अब क्या हो रहा है, सन से हमारे पास लाइट तो आ रही है, लेकिन सन से हमारे पास साउंड नहीं आ रही है। लाइट इज कमिंग टू अस एंड साउंड इज नॉट कमिंग टू अस, जस्ट बिकॉज लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम एंड साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम। और हमें पता है कि सन और अर्थ के बीच में क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम मींस अब वहां पे कोई मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट सन से हमारे तक आ जाती है, लेकिन सन से जो साउंड है वो हमारे तक नहीं आ रही है। दैट मींस दिस शोज दैट लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, वेयर एज साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट।
first was medium and second is speed. Now speed of light is around 3 into 10 raised to power 8 meters per second. मतलब अगर हम देखें तो ये स्पीड बहुत ज्यादा है और शायद अर्थ के ऊपर यही एक इससे ज्यादा स्पीड का अभी तक कोई मटेरियल हमारे सामने नहीं आया है. तो शायद मैक्सिमम स्पीड जो हमारे पास अभी अवेलेबल है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड इट इज 3 into 10 raised to power 8 meters per second.